फ्रेंड्स, हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ। गाइस देखिए, बहुत ही सिंपल स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीजर है, स्टार्ट करने वाली हूँ। वेल वी ऑल नो दैट कि स्विंग ट्रेडिंग में जब अच्छा प्रॉफिट अर्न करना होता है तो हमें वो स्टॉक चाहिए होते हैं जो अच्छा मूवमेंट दे रहे हों एंड अच्छे मोमेंटम में ये वो काम कर रहे हों। अदरवाइज हम किसी भी स्टॉक को कितने भी टाइम तक होल्ड करके रखें, चाहे महीने भर, छः महीने भर, दो महीने भर, अब वो प्रॉफिट आपको तब तक नहीं देगा गाइस अगर उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि निफ्टी 50 एंड सेक्सेस में 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक रजिस्टर्ड है। एंड अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें से हम ये पता करें कि किसमें मूवमेंट अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा और ट्रेंड चल रहा है क्या? वेल गाइज, आई नो ये जो प्रोसीजर है बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिंपल जो मैं प्रोसीजर बताऊंगी उसको बहुत ही सिंपल कर दूंगी, जिससे कि आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। बिकॉज देखिए गाइस, बहुत ही ये वीडियो का फ्री स्कैनर शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अर्ली मतलब बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। गाइस देखिए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग तो करनी है लेकिन स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें आपको कोई एनालाइज नहीं करना है, ना ही कोई इंडिकेटर लगाना है। स्कैनर में जाकर एक चीज़ देखनी है और सिंपली आपको वो स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए इस 2 मिनट्स के अंदर आप इजीली स्टॉक सिलेक्ट करके अपने इनकम अर्न कर पाएंगे। बस गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है 20 डे ब्रेकआउट स्टॉक स्टार्टिंग, ठीक है? इस पर क्लिक कर देना है। इस पर फिर यहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैश सेगमेंट लिखा हुआ है। कैश सेगमेंट पे क्लिक करना है और आप जिस भी सेगमेंट पे काम करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, आप बैंक निफ्टी में करते हैं या आप निफ्टी 50 में 100 to 200 सब में जिसमें भी करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं फ्यूचर में करती हूँ तो मैंने फ्यूचर को सिलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर कर देना है रन स्कैन, ठीक है? रन स्कैन करने के बाद गाइस यहाँ पर स्टॉक अपने आप आ जाएगा, ठीक है? ये वो स्टॉक है जो अभी फ्यूचर्स में है। अब इनमें किस में हाई वॉल्यूम है, अभी भी इसमें काम आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको उसमें देख रहे हैं वॉल्यूम किस में हाई है, ठीक है? जिसमें वॉल्यूम हाई है वो स्टॉक सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे कौन कौन से हैं? HDFC बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। गाइस सो आप ये देख रहे हैं ये स्टॉक वो है जो जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी भी गाइस इसके अंदर आपको एक प्रोसीजर और रह रहा है। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने चार्ट देखना सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस पर जाना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने HDFC लिख दिया, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन निकाल देती हूँ, ठीक है? अगर आप इसमें गौर से देखें, हम देख रहे हैं गाइस डे का चार्ट देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डे का चार्ट देखना है, ठीक है? डे का चार्ट देखना है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि ये स्टॉक इसमें जो कैंडल बनी हुई है इसका जो हायर रेजिस्टेंस है, ठीक है? एक ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ये ऊपर जा रहा है और इस रेजिस्टेंस के आसपास ये इधर देखने को मिला है। सो गाइस आप इससे समझ जाएंगे कि ये W फॉर्म बना रहा है, ठीक है? और ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर बाइंग प्रोसीजर चल रहा है, आप इजीली इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक लिमिटेड। यहाँ पर डालना है HDFC बैंक, ठीक है? आपको HDFC बैंक डालना है, यहाँ पर जाना है। HDFC बैंक में आप जाएंगे, डे का चार्ट देखेंगे। HDFC बैंक में भी आप देखिए डे के चार्ट में, इसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि एक ये एक रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक कर दिया और ये एक इस रेजिस्टेंस के पास मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है। सो गाइस इसमें भी मूवमेंट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और ये भी W फॉर्म बना रहा है। सो गाइस ऐसे ही हम एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक निकाल पाते हैं गाइस। एंड नेक्स्ट है, मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? निफ्टी 50 में ट्रेड करो, आपने निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लिया, इसको रन स्कैन करा, ठीक है? रन स्कैन करा आपने, इधर से रनिंग हो गया, देन आपको इधर जाना है, फिर से वॉल्यूम देखनी है, जिसकी वजह से तो हमने वॉल्यूम वाइज लगा रखा था। आप ये देखेंगे इसके अंदर भी निफ्टी 50 में भी वही स्टॉक आ रहे हैं जो हमें फ्यूचर्स में देखने को मिले थे, जिसमें अच्छा
वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। सो गाइस ये इजी प्रोसीजर है जिसके अंदर आप इजीली अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेन गाइस हमेशा यही रहता है कि चार्ट को सबसे पहले देखने हैं। अगर चार्ट आप नहीं देखेंगे और आपको मूवमेंट नहीं पता चलेगा तो गाइस नो डाउट आप इजीली उसमें अर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखिए जैसे 20 डे का इसमें बताया है, तो आप जो भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं 10, 9, 22, 55, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना 200, 100 ये मूविंग एवरेज लगा कर रखे अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इफ आप इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने चार्ट पे जाकर अपने चार्ट को देखना बहुत जरूरी है कि कैंडल कहाँ बन रही है और कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है और कौन से स्टॉक में आपको कॉल बाय करके चलनी है और पुट बाय करके चलनी है। ये चीज़ बहुत देखना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस अगर आप स्कैनर पे जाकर स्टॉक तो सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन चार्ट देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर चार्ट देखना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।